स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्टर वीजा को लेके। जैसे कि आपको मालूम है विस्टर वीजा का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इसमें दो चीजें तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस और आपका पर्पस ऑफ विजिट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वीडियो देख सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्पस ऑफ विजिट को लेके, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर मैं बात करूं विजिटर वीजा के पर्पस के लिए, तो आपके पास वहां पे विजिट करने के लिए एक सॉलिड पर्पस होना चाहिए। जैसे किसी की मैरिज हो गई, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, बर्थडे हो गया, कॉन्वोकेशन हो गई, बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो गई, या फिर आप कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हो, तो ऐसा एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए आपके पास वहां पे विजिट करने के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी जो भी रीजन है जिसके लिए आप विजिट करने जा रहे हो, उसकी कोई स्पेसिफिक डेट है, तो उस डेट से ट्राई करें, एक डेढ़ महीना आपकी फाइल लग जानी चाहिए। जैसे सपोज अगर आप कॉन्वोकेशन के लिए जा रहे हो, आपकी जुलाई में, आपके बच्चे की जुलाई में कॉन्वोकेशन है, तो ट्राई करें आप मई के मिड में या मई एंड तक आपकी फाइल लॉन्च कर दें, सो दैट कि वो आपका फाइल प्रोसीड करे और आपके जो भी है इवेंट उससे पहले आपका रिजल्ट आ सके। लेकिन इस चीज में एक बात का ध्यान रखें कि जिस भी पर्पस के लिए आप जा रहे हो उसका आपके पास सॉलिड प्रूफ हो। जैसे आप कन्वोकेशन के लिए जा रहे हो तो कन्वोकेशन लेटर चाहिए होगा, अगर आप किसी मैरिज अटेंड करने जा रहे हो तो मैरिज इन्विटेशन कार्ड होगा, अगर आप कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो तो वहां पे आपके लिए कोई इन्विटेशन आया होगा, वो चीज आपको फाइल में लगानी होगी। तो जो भी आप पर्पस लगा रहे हो उसका प्रूफ आपको एम्बेसी को देना होगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पर्पस ऑफ विजिट विजिटर वीजा में मेजर रोल प्ले करता है। जिस पर्पस के लिए आप विजिट करने जा रहे हो उस पर्पस को आपको प्रॉपर उन्हें जस्टिफाई करना होगा। तो डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका एक कवर लेटर होता है जो फाइल में लगता है, तो ट्राई करें कि आप अपने पर्पस ऑफ विजिट को अपने प्रूफ के साथ कवर लेटर में प्रॉपर जस्टिफाई करें। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा पाते हो या कवर लेटर में इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो ये आपका रिफ्यूजल का रीजन बन सकता है, तो इस चीज पे आपको स्पेशल ध्यान देना होगा। तो अगर आपके पास सॉलिड रीजन है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रूफ है, तो आप एक बढ़िया सा कवर लेटर बना के बिना किसी प्रॉब्लम की अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हो। ट्रेंड बहुत अच्छा है, 100% आपका रिजल्ट आएगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।